हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल, बाय प्रोफेशनल ट्रेनर। आप सब कैसे हैं? जैसे कि देख रहे हैं, कल से कंटिन्यूस लगातार बारिश हो रही है और पूरे लखनऊ में पानी ही पानी हो रहा है चारों तरफ। अभी मैं पॉलिटेक्निक चौराहे से और सईदपथ की तरफ जा रहा हूँ और जैसे कि देख रहे हैं कितना ज़्यादा पानी हो रहा है। रोड खाली पड़ा हुआ, पूरा रोड पर कोई भी नहीं दिख रहा है। बहुत ज़्यादा ही लगातार 24 घंटे हो गए बारिश होते हुए कंटिन्यूस। लखनऊ में पहली बार इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश कभी भी नहीं हुई है। जैसे कि पानी ही पानी, सेकंड गियर कर लो ब्रदर। यहाँ से लेफ्ट देखिए, ट्रैफिक कितना लगा हुआ है पॉलिटेक्निक चौराहे पे और बारिश हो रही है। जैसे कि मेरी जो भी वीडियोस अपलोड करता हूँ, बहुत सारे फ्रेंड्स के कॉल आते हैं, कमेंट आते हैं कि सर मुझे लेफ़्ट का जजमेंट नहीं हो पाता है। अगर आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं और अगर लेफ़्ट का जजमेंट नहीं हो पाता है तो आप किसी भी कार एसेसरीज़ की शॉप पे जाइए, उसको बोल दीजिए कि मुझे बोनट जजमेंट के लिए एक रॉड आती है। बोनट जजमेंट के लिए एक छोटी सी रॉड होती है, 1 से 2 फीट की। वो नॉर्मली एडजस्ट हो जाती है, नॉर्मली साइड में एडजस्ट हो जाती है, जिससे कि आपकी लेफ़्ट साइड के बोनट का अंदाज़ा आपको मिल जाता है। जैसे आप देख रहे हैं मेरी गाड़ी में एक आगे पॉइंट्स लगा है। हाँ, बारिश हो रही इस वजह से क्लियरिटी नहीं आ पा रही। ये देखेंगे तो आगे एक रॉड लगी हुई जिससे हमें लेफ़्ट का अंदाज़ा हो जाता है जी। इसी तरीके से यहाँ से लेफ़्ट लेना, लेफ़्ट सिग्नल दिया आपने, ऑटो लेफ्ट, स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा और उससे आपको लेफ़्ट का अंदाज़ा मिल जाएगा। तो बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे आप बैठते हैं ड्राइविंग सीट पे, ये जो ड्राइविंग सीट है, यहाँ से और आपके बोनट की जो लंबाई होती है, आगे जो नेम प्लेट लगी होती है, नंबर प्लेट, वो करीब 6.5 से 7 फीट होती है। तो कुछ गाड़ियाँ जैसे सीडान होती हैं, सीडान जैसे होंडा सिटी हो गई, सियाज हो गई, ये सब गाड़ियाँ हैं, तो इसमें ड्राइविंग सीट नीचे होती तो और ज़्यादा नहीं कंफर्म हो पाता है कि बोनट की। अगर XV गाड़ी है जिसकी सीट ऊंची होती है, जैसे स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, इनोवा, ये सब गाड़ियाँ हैं, तो इसमें आपको बोनट का बहुत जल्दी जजमेंट आ जाता है। जैसे कि आज मेरे साथ एक न्यू स्टूडेंट हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? राजीव जी। कहाँ से आते हैं आप? कल्याण। ओके, कल्याणपुर से। कितने डेज हो गए हैं आपको ब्रदर ड्राइविंग करते हुए? 7 दिन हो गए। 7 डेज हो गए हैं। अभी कौन कौन से गियर में आपने गाड़ी चलाई है? तीन गियर में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, हॉर्न मारिए। ओके, तो अभी तक कितनी स्पीड में चला चुके हैं आप गाड़ी? 60-50-55 की स्पीड। तो 50-55 तो होती नहीं थर्ड गियर की, तो फिर कैसे चला लिया आपने? 40 से ऊपर नहीं आप जा सकते, क्योंकि थर्ड गियर की स्पीड 30-40 होती है। अगर आप 40 क्रॉस कर रहे हैं तो आपको फोर्थ गियर डालना ही पड़ेगा। ठीक है, कैसा लग रहा फर्स्ट डे? आप किसके थ्रू आए थे मेरे पास? जी सर, एक यहीं जानने वाले थे तो फ़ोन करके, वो आपके पास सीखे थे तो अच्छा सीखे चलाए तो ठीक है। अच्छा, उन्होंने आपको बताया कि मैंने वहाँ से सीखा है तो आप भी जाके सीख लीजिए। ओके ओके, जैसे कि देखा राजीव जी ने आपको बताया है कि और ये किस तरीके से ड्राइविंग कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कितनी तेज़ बारिश। ज़्यादातर बारिश में ड्राइविंग स्कूल वाले नहीं ड्राइविंग सिखाते हैं, बोल देते हैं कि नहीं बारिश हो रही है। अदरवाइज़ कभी भी अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं और बारिश आ गई तो ऐसी सिचुएशन में गाड़ी कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि आपको बारिश का तो अंदाज़ा ही नहीं है। तो बारिश में भी चलाना इम्पॉर्टेंट है और नाइट में भी चलाना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नाइट में लाइट, जैसे कि देख रहे हो सामने से कार आ रही है, तो उसकी लाइट से हमें अंदाज़ा लेना होता है कि सामने वाली गाड़ी हमारी गाड़ी से कितनी दूरी पे है और कितना गैपिंग है। तो ये सब चीज़ें जब आप ड्राइविंग करेंगे तभी आ पाएगा, प्रैक्टिकल करने के बाद ही आता है, थ्योरी से कोई मतलब नहीं है। स्पीड ब्रेकर है और इसी तरीके से आप सबका प्यार मिलता रहेगा और मैं ड्राइविंग सिखाता रहूँगा आप सभी को। और जो जो आपको अगर कोई कमियां लगती हैं मेरे सिखाने में या कुछ भी अगर बाय मिस्टेक गलत हो जाता है तो आप कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं कि सर सेकंड गियर करो, ये ऐसा नहीं, ऐसा कर सकते, साइड दे दो, जाने दो।
तो इस तरीके से मैं आप सबके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा और इसी तरीके से अपलोड करता रहूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ये है कि जब भी आप कोई भी वीडियो मेरी देखें तो स्टार्टिंग से लेके उसको एंड तक देखें, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जब तक आप एंड तक नहीं देखेंगे तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। हाँ, क्योंकि डे वाइज डे जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ तो लोगों के कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो मैं उतनी के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। तो वीडियोस करीब 200 से ज़्यादा मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, और आप जब मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे रेड वाला बटन दबा के और बेल आइकन, तो जो मैं कोई भी वीडियो डालूँगा तो उससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जो भी मैं वीडियो डालूँगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आप उसको देख सकते हैं। और जब अगर आपके आसपास कोई ड्राइविंग स्कूल नहीं है या आप ड्राइविंग स्कूल से नहीं सीखना चाहते हैं, तो मेरी 2-3 वीडियोस इस पे पड़ी हुई, जैसे 28 मिनट की है और एक 5 मिनट की है और एक नेहा पंत की वीडियो है रिवर्स कैसे करें, ये कुछ वीडियोस को आप सेलेक्ट कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, उन वीडियोस को बार बार देखिए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके बाद आप प्रैक्टिकल करके गाड़ी निकाल सकते हैं, किसी ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, बस स्टार्टिंग में जब भी आप गाड़ी कभी चलाएं तो खाली जगह में ले जाएं, ग्राउंड में या किसी पार्क में या बड़े मैदान में, जहाँ पे अगर बाय मिस्टेक अगर कुछ अनकंफर्टेबल भी होता है तो आप गाड़ी कंट्रोल कर सकें। हाँ, और जिसने जिसने फर्स्ट गियर में गाड़ी चला ली, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फर्स्ट गियर, क्योंकि फर्स्ट गियर में गाड़ी रोकना और बढ़ाना, अगर आपको हाईवे पे चलाना हो तो बहुत इजीली आप चला लोगे, क्योंकि एक बार आपने गाड़ी फोर्थ फिफ्थ गियर में डाल दिया तो उसके बाद आपको गियर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बाकी दिक्कत आती है जब आप बार बार गियर को चेंज करते हो, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट, थर्ड सेकंड से थर्ड, तो गाड़ी बार बार रोकनी पड़ती है। जब आप फर्स्ट गियर तभी डालते हो जब गाड़ी आपको स्टॉप करना होता है, क्योंकि फर्स्ट गियर की जो स्पीड होती है वो 0 to 10 होती है, मतलब 10 की तो ऑलरेडी रहती है, 10 to 20 स्पीड होती है, RPM 10 का रहता है। तो जब गाड़ी हमें रोकना है, रोकने के बाद हम उसको जब मूव करते हैं तो अक्सर गाड़ी बंद हो जाती है उठाते टाइम। अक्सर लोगों की कॉल आती, कमेंट आते कि सर जब मैं गाड़ी रोकता हूँ, रोकने के बाद जब उसको मैं बढ़ाता हूँ तो गाड़ी झटके से बंद हो जाती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि पैर को सही कंडीशन में नहीं रखते, हमेशा पैर को फिंगर इस्तेमाल करनी है, जो अंगूठा अंगूठे के बगल वाली आपकी फिंगर है वो पैंडल पे होनी चाहिए। और अगर आप नंगे पैर चलाते हैं तो आपको हमेशा नंगे पैर नहीं चलाना है, क्योंकि सीखने के लिए 2-3 दिन आप नंगे पैर चला के, जिससे आपको टच फील आ जाएगा, पता चल जाएगा कि पैर रखने का पॉइंट क्या है। और जब आप पैर को मूव करते हैं तो नीचे से एड़ी को ना उठने दें, सिर्फ पंजे को आने दें, जिससे कि आपका जो क्लच है वो झटके से नहीं छूटेगा, धीरे धीरे क्लच रिलीज होगा और आपकी गाड़ी धीरे धीरे मूव कर जाएगी। जैसे कि गाड़ी मूव करने लगे, बस जैसे कि आपने 60% क्लच को रिलीज़ किया और गाड़ी आपकी खिसकने लगी, तो 60 के बाद आप 61, 62, 63 इस तरीके से धीरे धीरे रिलीज़ करेंगे, तो होगा क्या कि आपकी जो गाड़ी है वो झटके से नहीं बंद होगी और धीरे धीरे मूव कर जाएगी। उसके बाद और दूसरा कंडीशन एक और है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप हल्का सा एक्सेलेटर भी ले सकते हैं, हल्का सा क्लच को रिलीज़ करें, जैसे आपको लगे हाफ क्लच रिलीज़ किया, गाड़ी वाइब्रेट करने लगती है ना जब बढ़ने के लिए रेडी हो जाती है, तो उसके बाद आपको धीरे धीरे हल्का सा एक्सेलेटर ले लो ना के बराबर, जैसे आप उस पर पैर हल्का टच करोगे जो स्पीड आपको चाहिए वो मिल जाती है। बस जब हल्का एक्सेलेट करोगे तो गाड़ी झटके से नहीं उठेगी, बढ़ जाएगी, क्लच को थोड़ा सा रिलीज़ करना है और बाकी धीरे धीरे गाड़ी आपकी मूव कर जाती है। गाड़ी आप सेकंड गियर में भी उठा सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल गाड़ी फर्स्ट में है, डीजल गाड़ी है उसका इंजन थोड़ा पावरफुल होता है, तो आप उसको सेकंड गियर में मूव कर सकते हैं जी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखिए और कमेंट करिए और कॉल भी कर सकते हैं, मैंने अपना वीडियोस में एक नंबर भी दे रखा है कि किसी प्रकार की, और मेरा सेल परचेज़ का भी काम है, कार्स सेकेंड हैंड कार्स को मैं सेल परचेज़ करता हूँ, और साइड में मेरा प्रॉपर्टी का भी काम है, मकान रेंट्स वगैरह, और लखनऊ में मेरा प्रॉपर्टी का काम है जो कि प्लॉट्स वगैरह का काम करता हूँ मैं। किसी भी ब्रदर को चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, मौसम बहुत अच्छा है, गुड बाय।